ये समझ लीजिए कि एकदम से तहस नहस हो गया सब कुछ, ना खाने के रह गए, ना पीने के, ना कोई पैसा, ना कुछ, पूरी व्यवस्था एकदम ख़राब हो गई है। हम लोगों के घर की आर्थिक स्थिति तो एकदम समझ लीजिए बहुत गई गुजरी है। ट्रक से आने में तो वहाँ से लगभग 5 दिन लग गए थे हम गांव पहुँचने में, और हर दिन एकदम जान लीजिए कि ऐसा गुजर रहा था, बिना खाए पिए, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं पर भी रुकने के लिए अगर कहीं गाड़ी भी रुक रही थी तो वहाँ भी पानी सानी नहीं लेने दे रहे थे, बोल रहे थे कि बाहर से आ रहे हैं लोग तो पानी मत दो इनको, खाना मत दो। पीछे घूम जा बेटा, तू भी पीछे घूम जा। तो पेमेंट कम है तो खान खर्च के अलावा रूम रेंट से जो बचता है या तो घर पे भेजो या तो अपने लिए यूज करो। तो अभी तो घर पे ज़्यादा ज़रूरत है तो घर पे हम लोग भेज देते हैं, तो अपने लिए कम ही यूज कर पाते हैं, जैसे तैसे निकाल रहे हैं। To look at all successful economies in the world, they are based on the idea of a safe, productive workforce. Not a cheapened, not a malnourished, you know, poorly paid workforce. समस्या हमेशा जिंदगी भर लगी रहे, जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है। जिस दिन आदमी आंख बंद कर लेता है समस्या उसी दिन खत्म हो जाती है।